वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? तो स्वागत है आप लोगों का प्रीपोजिशंस के अगले क्लास में। इस क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की चर्चा कर रहे थे, उसमें बिटवीन, अमोंग, अमोंग्स, अमिड, अमिडस्ट का चर्चा कर लिए, फिर ओवर, अंडर, बिलो, अबव की चर्चा कर लिए। अब आज की क्लास में हम लोग को जो चर्चा करना है वो है बिहाइंड, बिसाइड, बाय, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ये भी प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस के अंतर्गत ही हमको पढ़ना है, और आज का क्लास प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस का आखिरी क्लास होगा। इसके बाद हम लोग प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में आएंगे। ओके, तो गौर से सुनिएगा इस चीज को और ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देखो, आज का जो पहला प्रिपोजिशन है हमारा प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस के संदर्भ में, वो है बिहाइंड। तो बिहाइंड से तो आप सभी कोई कॉमनली परिचित होंगे कि बिहाइंड का क्या मतलब होता है। बिहाइंड का बड़ा साधारण सा मतलब है पीछे। कोई भी चीज जो हमारे पीछे है वो हमारे बिहाइंड है। ठीक है, तो इसका साधारण अर्थ हिंदी में पीछे क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं, देयर इज अ रोड बिहाइंड माय हाउस। देयर इज अ रोड बिहाइंड माय हाउस मतलब मेरे घर के पीछे क्या है, एक सड़क है। ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, पेड़ के पीछे ये छिपा था। बड़ा साधारण सा इसका मतलब है और कॉमनली तौर कॉमन आप लोग इसका प्रयोग करते आए हैं अभी तक। एक खास बात जो आपको ध्यान देने योग्य है वो ये कि ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कभी भी हम बिहाइंड के साथ नहीं करते। जो सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि कई लोग, कई स्टूडेंट्स या एग्जाम में भी एरर के रूप में बिहाइंड के साथ ऑफ का प्रयोग दिया जाता है। तो इस बात को आप अपने जहन में आज डाल लें कि बिहाइंड के साथ हम ऑफ का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। जैसे कि बिहाइंड ऑफ अ ट्री, अगर इस एग्जाम्पल में मैं हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, अगर यहां पर हाइडिंग बिहाइंड ऑफ अगर लगा होता तो ये गलत होता। तो क्योंकि बिहाइंड के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ये एक बात बिहाइंड के संदर्भ में याद रखना है। दूसरा कि बिहाइंड का प्रयोग हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के संदर्भ में भी करते हैं, लेकिन जब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे होंगे तो उसकी चर्चा मैं वापस करूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि बिहाइंड की चर्चा हुई है इसलिए मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं। तो बिहाइंड टाइम या फिर शेड्यूल मतलब अपने निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं, देर से चल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम मतलब वो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। द इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट इज 2 ईयर्स बिहाइंड शेड्यूल, जो हमारा एक महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट था वो अपने शेड्यूल के हिसाब से 2 साल पीछे चल रहा है, मतलब देर से चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ कोई चीज। ठीक है, तो दिस इज वॉट बिहाइंड मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टाइम, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लेस इट मीन्स इन हिंदी के पीछे। ओके, तो ये सारा ये आपका कंप्लीट बिहाइंड का कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद हमको पढ़ना है बिसाइड और बाय। बिसाइड और बाय का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में अगर बोले तो एट द साइड ऑफ मतलब के बगल में, या फिर नजदीक के अर्थ में, नियर के अर्थ में, या फिर नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का भी मतलब होता है बगल में या फिर के बाद। ठीक, जैसे कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी और बाय मी। बहुत बच्चों को शायद यहां पर बाय का प्रयोग समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज आप लोग समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैं यहां लिख रहा हूं, ही वॉज सिटिंग बाय मी, तो ये बिल्कुल सही प्रयोग है। बाय मी मतलब बगल में, इसको आज आप ध्यान कर ले, अगर ध्यान में नहीं है आपके तो। बिसाइड और बाय का क्या मतलब होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के संदर्भ में, बगल में, नजदीक में या ठीक बात। ओके, चलिए उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा हमारा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी लोग गलत करके आते हैं ऐसे इन दोनों के बीच में। तो आज इसके कॉन्सेप्ट को पूरा कर ही लेते हैं, समझ लीजिए इसको, इस चीज को है कि आज समझ गए मतलब हमेशा के लिए समझ गए बस। तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है वो दोनों हिंदी मीनिंग होता है के सामने के अर्थ में, के सामने। ठीक है, जैसे कि लेकिन एक अंतर है, हिंदी मीनिंग तो सेम है लेकिन इंग्लिश में प्रयोग अलग अलग है। क्या अलग अलग है ये समझते हैं कि बिफोर का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के सामने करेंगे। बिफोर का प्रयोग हम कहां करेंगे, किसी व्यक्ति के सामने। अगर किसी व्यक्ति के सामने खड़े हैं तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर अ पर्सन, राइट। लेकिन अगर किसी वस्तु के सामने खड़े हैं देन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का,
कि अगर व्यक्ति के सामने खड़े हैं तो बिफोर, किसी वस्तु के सामने हैं तो इन फ्रंट ऑफ। जैसा कि उदाहरण है, बिफोर मी और बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जैसे द थीफ वॉज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया उस व्यक्ति को, बिफोर द कोर्ट होता है, बिफोर द जज होता है, ये सारे व्यक्ति के संदर्भ में यूज किए जाते हैं, राइट। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरा हाउस क्या है, एक थिंग है, घर, तो मेरे घर के सामने, राइट। इन फ्रंट ऑफ ए कार, कार क्या है, कार एक वस्तु है। तो इसी प्रकार से ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका बिफोर और इन फ्रंट के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कि बिफोर का प्रयोग हम जब कभी करेंगे तो व्यक्ति के सामने के संदर्भ में करेंगे, और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग जब भी करेंगे तो हम किसी वस्तु के सामने के संदर्भ में करेंगे। इसको हमेशा अपने पॉइंट में, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू पीपल, राइट, नॉट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, बिकॉज मैं आपको एज अ व्यक्ति समझ रहा हूं, ओके। दूसरी बात, बिफोर के संदर्भ में ये एक फ्रेज का इस्तेमाल होता है, बिफोर वंस आईज, मतलब किसी की आंखों के सामने, जैसे मेरी आंखों के सामने यह हुआ, यह घटना घटी, ठीक है, तो द इंसिडेंट हैपेंड बिफोर माई आईज, मेरे आंखों के सामने। इज ऑल्सो यूज एज प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, कौन, बिफोर, बिफोर का प्रयोग जिस प्रकार हम बिहाइंड का प्रयोग प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के संदर्भ में किए थे, देरी के संदर्भ में, उसी तरह से हम बिफोर का प्रयोग प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के संदर्भ में पहले के संदर्भ में कर सकते हैं। जैसे कि इसी का अपोजिट ले लेते हैं, द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, इसी को अपोजिट बोल दो, द ट्रेन इज रनिंग बिफोर टाइम, मतलब समय से पहले चल रही है अपने निर्धारित समय से। तो इस प्रकार से बिफोर का प्रयोग हम प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के संदर्भ में समझ गए, लेकिन फिर प्रिपोजिशन ऑफ टाइम समझाएंगे तो उस समय फिर से इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक आपको इसको याद रखना है, ओके। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब यह होता है। एक बात और जो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है आप लोगों को नोट करने के लिए, वो क्यू, क्यू मतलब लाइन, मतलब कतार। अगर कतार की चर्चा हो, जैसे एक लाइन में सभी कोई खड़े हैं, तो उस समय किसका प्रयोग करेंगे, तो लाइन में अगर खड़े हो तो सीधी सी बात है आपके सामने कौन खड़ा रहेगा, कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, तो उस समय बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बिफोर का प्रयोग करेंगे कि इन फ्रंट ऑफ का करेंगे। देखो बेटा, क्यू के सेंस में अगर हो कोई बात तो वहां पर बिफोर और इन फ्रंट ऑफ दोनों का प्रयोग सही माना जाएगा, दोनों में से कोई गलत नहीं होगा, ओके। जैसे उदाहरण के तौर पर कि ही वॉज बिहाइंड मी, मेरे पीछे था, बट इन फ्रंट ऑफ और बिफोर हर इन द क्यू, अगर इन द क्यू जुड़ा हुआ है तो, राइट, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ही का प्रयोग होगा। अगर क्यू चर्चा करते हैं तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हो, बिफोर का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन प्रिफर करना बिफोर का प्रयोग इस सेंस में, और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग भी आराम से कर सकते हो, इसमें कोई डाउट मत रखना, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड एंड बाय। एक और बात जो आज के क्लास के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा वह यह कि अपोजिट, कुछ ऐसे ही संदर्भ में हम अपोजिट का भी प्रयोग करते हैं, और बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन होता है अपोजिट भी अपने आप में एक प्रीपोजिशन का काम करता है, लेकिन इसका रिलेशन अक्सर हम इन फ्रंट ऑफ के साथ कंफ्यूजन में आ जाता है। जैसे समथिंग इज अपोजिट यू और समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, ये हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक संदर्भ में देखा जाए तो सामने होता है। तो इस बात को आज ध्यान में रख लीजिए, अगर कोई वस्तु, कोई डिफरेंट वस्तु जो है, जैसे सपोज करो कि ये तीन ए बी सी कोई तीन वस्तु है, ठीक है, और ये कोई सपोज करो पाथ है, तो अगर एक ही सीक्वेंस में लाई कर रहा है, एक ही सीक्वेंस में मतलब अगर ऑन द सेम साइड अगर कोई तीन वस्तु लाई कर रहे हैं, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, मतलब इन फ्रंट ऑफ होंगे, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना कि अगर एक सीक्वेंस में, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड है और द पाथ है और एनीथिंग इस तरह से है, तो यहां पर हम और ये वस्तु इसके सामने है तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई एक वस्तु जो किसी पाथ के दूसरे साइड में है, यहां सपोज करो कि ए है और इस तरफ अगर बी है, तो इस केस में बी जो होगा ए के इन फ्रंट ऑफ ना होकर के क्या होगा, अपोजिट बी होगा, सॉरी अपोजिट ए होगा, अगर बी की बात करते हैं तो, ठीक है। अगर बी का पोजिशन हम ए के संदर्भ में देखेंगे और यह बी रोड के अपोजिट साइड में है, मतलब रोड के उस तरफ है, रोड के उस पार है, सेम साइड में नहीं है, तो यहां पर हम अपोजिट ए का इस्तेमाल करेंगे बी के लोकेशन को बताने के लिए। लेकिन अगर बी का लोकेशन ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड है, तो यहां पर हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये एकदम क्लियर है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है।
कुछ और उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे अपोजिट का, अगर सपोज करो कि एक टेबल है जिसपे मैं बैठा हूं और मेरे सामने ठीक है कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है जो मुझे ही फेस कर रहा है, ठीक है, दैट द अनदर पर्सन इज फेसिंग मी मींस ही इज सिटिंग अपोजिट मी नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई टेबल है, सपोज करो दिस इज अ टेबल, हियर आई एम सिटिंग एंड आई एम फेसिंग दिस साइड एंड हियर समबडी एल्स इज सिटिंग हु इज फेसिंग मी ओवर हियर, देन हम लोगों का जो रिलेशन होगा, हम दोनों एक दूसरे के क्या बैठे हैं, अपोजिट बैठे हैं। इसमें से कोई, इसमें आप कोई डाउट मत रखना, इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट और बिफोर में, ठीक है, कोई डाउट अब नहीं रहना चाहिए। फाइनल कॉन्सेप्ट है और यही सबसे उत्तम कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर हो तो कॉमेंट में आप लोग जरूर पूछ सकते हो सवाल, ठीक है। तो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो टॉपिक था वो आज यहां पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक, अभी तक जितना पढ़ाया गया है आप लोगों को, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि उन सारे वीडियोस को आप वापस से देखिए, नोट्स अगर बनाए हैं तो उनको रिवीजन कीजिए और सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार पढ़िए, क्योंकि फिर इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीपोजिशन के नहीं मिलेंगे। ये डिटेल्ड है, आज भी काम आएगा और आने वाले समय में भी काम आने वाला है आपके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट पे बताइए। हालांकि व्हाट्सएप पे आप लोग कुछ मैसेजेस करते रहते हो कि हाँ पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे ही जो चैनल है हमारा उसी चैनल पे आप कमेंट करके लिख के बताएं। इसके साथ ही ग्रैंड व्यू के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जो प्रयास है ग्रैंड व्यू की तरफ से और मेरे तरफ से, ये प्रयास बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचे और ये शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करना ना भूले। थैंक यू।